दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अगर इस प्रकार का जो है, देखिए कोर कट जा रहा है, इस प्रकार का जो है प्रॉब्लम आपके मशीन में भी आ रहा है, आप परेशान हैं, तो इसको किस प्रकार से सुधारा जाए, देखिए मैं अभी आपको फाइनली इसको अच्छी तरीके से मैं सुधार के बताने वाला हूँ कि इसको आप किस प्रकार से। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीते टीक में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी पेपर प्लेट का जो मशीन है वो किस प्रकार आप चला पाइएगा, किस प्रकार से ऑपरेट कर पाइएगा, फुल डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको इस जो मशीन का जो बोर्ड आप देख पा रहे वीडियो स्क्रीन पे, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको किस प्रकार सेटिंग करना है। आप फिलहाल मशीन में देख पा रहे हैं इसमें 13 इंच का डाई लगा हुआ है, तो 13 इंच का डाई में जो देखिए पत्ता जो भी बनता है, पत्ता या दोना जो भी बनता है, वो हीटर के हीटिंग पे बनता है। डाई जब गर्म होता है तभी वो डिजाइन बनाता है और पत्ता को कटिंग करता है। तो सबसे जो है इम्पोर्टेंट है कि डाई गर्म हम किस प्रकार करें, हीटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जो आप देख रहे हैं ये हीटिंग टेम्परेचर है, इसको कितना पे रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 13 इंच का डाई लगाए हुए हैं तो इसको आप 90 और 100 के बीच में रखिए, 6 या 7 इंच का डाई है तो 70 और 80 के बीच में रखिए, 5 और 6 इंच का डाई है तो आप 60 से 50 के बीच में इसको टेम्परेचर रखिए। डाई जो है, डाई बड़ा डाई जो है गर्म होने में काफ़ी समय लेती है, तो बड़ा डाई को लगभग आप 30 से 35 मिनट गर्म कीजिए, 6 और 7 इंच के डाई को आप 10 से 15 मिनट गर्म कीजिए, 8 और 7 इंच के डाई को आप 20 से 25 मिनट गर्म कीजिए, उसके बाद ही मशीन को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों मशीन स्टार्ट किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले हम मशीन में करेंट दे देंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं करेंट दिया हुआ है। करेंट देने के बाद हम इसको हीटर को, अगर बड़ा डाई लगा हुआ है तो बड़ा डाई में 90 टेम्परेचर देके इसको आधे या 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद यहाँ से ये मोटर का स्विच है ऑन कर देंगे और यहाँ से जो है ब्लोअर का स्विच ऑन कर देंगे। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पत्ता कटिंग होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाई को किस प्रकार सेटिंग किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि पत्ता फंसता है, एक तरफ से कोर कट जाता है, तो इसका भी सेटिंग मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसको किस प्रकार से सेटिंग किया जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अगर इस प्रकार का जो है, देखिए कोर कट जा रहा है, इस प्रकार का जो है प्रॉब्लम आपके मशीन में भी आ रहा है, आप परेशान हैं, तो इसको किस प्रकार से सुधारा जाए, देखिए मैं अभी आपको फाइनली इसको अच्छी तरीके से मैं सुधार के बताने वाला हूँ कि इसको आप किस प्रकार से सेटिंग कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं पीछे रॉ बंडल से जो रॉ जा रही है, रॉ जो है एक तरफ हो चुकी है, एक तरफ आ रही है, तो इसको आप कहाँ से एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ नट बोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है इसको इस जगह से जो है नट को ढीला करके और रोल को जो है थोड़ा और इधर खसका के इधर के तरफ करके और आप जो है इसका सेटिंग कर सकते हैं। रोल को जब रोल इधर की तरफ आ जाएगा यहाँ से सेटिंग करके, तो रोल सीधा जब जाएगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। आप देख पा रहे हैं मैंने अभी रोल सीधा किया है और देखिए आप जो है पत्ता अब कट के सीधे आ रही है। तो इस प्रकार का सेटिंग करके आप जो है मशीन को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का बिजनेस आइडिया मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूं।